तो एक एक काम तो हम लोग करेंगे, लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर अगली बार मौका मिल जाए, इस बार मौका मिल गया तो अगला जो काम करेंगे, तो अब तो हर घर बिजली पहुंचा दिया है, लेकिन अगली बार हर गांव में हम आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, ताकि रात में अपने घर का बिजली बुझाइए, पूरे गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के चलते उजाला रहेगा। ये काम हम लोग करेंगे, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाएंगे, और जितना काम किया है सबके साफ सफाई का व्यवस्था गांव हो या शहर हो करेंगे। हर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके आगे मौका मिलेगा तो कई गांवों को मिला करके और महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए सड़क चाहिए, उस सड़क का निर्माण कराएंगे। और शहर और बाजार में जो सड़कों का चौड़ीकरण तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बाईपास बनवाएंगे, और अगर कहीं बाईपास का जमीन नहीं मिला तो वहां पर ऊपर से रोड बना देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो इसी तरह का काम हम लोग करेंगे, जानवरों के पशुओं के इलाज का प्रबंध कराएंगे, 8 से 10 पंचायत पर पशु चिकित्सालय, और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हर एक गांव तक करने का अवसर दे देंगे, ताकि अगर किसी का जानवर भी बीमार पड़ता है, पशु भी बीमार पड़ता है, तो उसी के माध्यम से तुरंत चिकित्सालय में खबर देगा, चिकित्सक आकर के उसका इलाज करेंगे, और जो दवा की जरूरत है वो राज्य सरकार अपना आपके पशुओं के लिए भी दवा उपलब्ध कराएगी। तो आप सोच लीजिए जो काम करते हैं आगे क्या चाहिए, आगे और क्या करना चाहिए, इसी से बिहार बढ़ेगा। और जो लोग चुनाव के दौरान नकली बात करते हैं वो तो कभी करेंगे ही नहीं, लेकिन नकली बात करके लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं। हम लोगों ने समाज में एकता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो उस समय किए गए काम पर ज्यादा नहीं, कुछ लोग लगे रहते हैं कई तरह से काम करने का, और कुछ लोगों को तो हमसे तो बड़ा भाई गुस्सा है, हम पर हमारे बहुत खिलाफ हैं। हम तो भाई महिलाओं की मांग पर हमने शराबबंदी लागू किया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, जो इसके धंधेबाज थे वो लोग एकजुट होकर के हम लोगों के खिलाफ जो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। तो आप समझ लीजिए, हमने समाज के सुधार के लिए भी काम किया है, हम सिर्फ विकास का काम नहीं, समाज के हर तबके के उत्थान का भी काम करते ही हैं, लेकिन साथ साथ समाज सुधार का काम करते हैं।